सेंटर सेंटर सर आई गेस ये टेलीविजन इंटीग्रेशंस इस स्क्रिप्ट जिस तरह से बनी है आई वाज रिक्वायर्ड वो अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं हम सब इसमें ही जुड़े हुए हैं इट्स वेरी नाइस टू हैव विद्या जी ऑन बोर्ड ये है भगपति की शान बढ़ गई आज विद्या जी सॉरी इस इवेंट से तो आपके पास करण जो रिसेंटली सेड दैट कि यहाँ पे जो मूवी मेकिंग है वो इतनी लिबरल नहीं है हमें मतलब काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं राइट फ्रॉम सेंसरशिप टू पॉलिटिकल प्रेशर और अगर ये सब ना हो तो इंडिया घूम नीचे का और भी ऊपर हो सकती है और भी अच्छी बन सकती है कितना मानती हैं आप इस बात आई डेफिनेटली सेंटर सेंटर थिंक रादर एग्री विद करण हम लोग हमारे लिए डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए मैं कह रही हूँ कि फ्रीडम ऑफ चॉइस कर्व हो रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सब बात कर रहे हैं एंड बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रीडम ऑफ चॉइस इन अ डेमोक्रेसी वी शुड हैव द फ्रीडम टू चूज व्हाट वी वांट टू डू दीपक बूम नीचे दीपक राकेश राकेश बूम नहीं लेना साउंड नहीं मुझे नहीं लगता कि एक हद से ज़्यादा एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि अगर मैं कोई प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रही हूँ मैं एक हद तक जानकारी पा सकती हूँ कि उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या गया है पर उससे ज़्यादा मैं वहाँ जाके फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना तो नहीं सकता तो एक हद तक जिम्मेदारी होती है उससे ज़्यादा नहीं ये रिलीव कर पाने की बात नहीं है ये सच्चाई है कि माँ औरत की होती है और सिंदूर पति के नाम का होता है गला पत्नी का होता है मंगलसूत्र पति के नाम का होता है कलाई पत्नी की होती है चूड़ियाँ पति के नाम की सो आई थिंक ये सच्चाई है ये रिलेट करने या ना करने की बात नहीं है आप फिल्म इंडस्ट्री में रजनीकांत के साथ आ रही हैं फिलहाल तो मैं यही कहूँगा दिव्यांका इस शो में एक साउथ इंडियन प्ले कर रही है ये जानकर मैं बड़ी खुश हूँ ये मोहम्मद अभी नंबर वन के पायदान पर आ चुका है और इस शो में हमने बहुत मेहनत की है जब हमने शुरुआत की थी तब सोचा भी नहीं था कि ये शो आज के दिन नंबर वन शो बनेगा नेवरू क्लॉक पे एक्चुअली हमारा स्लॉट हमें पहले मिला था सो आपको आपने देखा कभी हमारा शो प्लीज़ देखिएगा शुरुआत परेशानी में है मेरी ननद की शादी टूट सकती है सो मैं जानना चाह रही हूँ कि जो मेरे होने वाले नंदोई हैं या जो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड है ओ अच्छा फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट डिटेल आई डिडंट नो ही इज माय एक्स बॉयफ्रेंड एंड उनके बारे में कुछ सच्चाइयाँ जानना चाहती हूँ शी रियली हेल्प्स मी आउट एंड विद्या जी के कहने पे बहुत बड़ा फील हो जाता है विद्या वुमन सेंट्रिक फिल्म जो है आजकल काफी अच्छा कर रही है में कितनी सच्चाई है ये तो एक तर्जी बताएंगे विद्या जी वुमन सेंट्रिक फिल्में आजकल काफ़ी अच्छा कर रही है और आप भी यहाँ पर सेट पर अकेले प्रमोट करते दिख रहे हैं तो क्या लगता है उसका कोई प्रेशर है आप पर कि नहीं नहीं कोई प्रेशर नहीं है मुझ पर कभी कोई प्रेशर रहा ही नहीं मुझ पर प्रेशर का असर ही नहीं थैंक यू और फिल्म में हम सब साथ में हैं पर हम सब साथ होने का फ़ायदा उठा रहे हैं हम अलग अलग जगह पर ये फिल्म प्रमोट कर रहे हैं मैं टेलीविजन पर आकर मैं कर रही हूँ